हेलो, हाय एवरीवन। आज हम लोग फिर आपके एकेयू सीरीज को जो सॉल्व कर रहे हैं पेपर, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आज मैंने सवाल लिया, 2018 में पूछा गया है आपका एकेयू में कि प्रूफ इट, व्हाट प्रूफ प्रूफ इट इफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन, इफ देयर आर टू लैंग्वेजेस ऑफ टाइप रेगुलर, तो इंटरसेक्शन ऑफ दोज लैंग्वेजेस शुड बी रेगुलर इटसेल्फ, राइट। आप, मैं फिर से अपनी बात बताती हूँ। जैसे मान लीजिए रेगुलर लैंग्वेज एल रेगुलर लैंग्वेज L1 है, ठीक है, और कोई रेगुलर लैंग्वेज आपका क्या है, L2 दिया हुआ है। अब एक रेगुलर लैंग्वेज हम लोग ले ही लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज L1 इज इक्वल टू है a+b का होल स्टार, ठीक है, और L2 जो है ये रेगुलर लैंग्वेज क्या है, बी ए डॉट a+b का होल स्टार, ठीक है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, देखिए सवाल क्या है यहाँ पर कि आपका जो रेगुलर लैंग्वेज है, तो कोई सा भी आप रेगुलर लैंग्वेज ले लीजिए, ठीक है। L1 मान लीजिए एक रेगुलर लैंग्वेज लिया। क्यों आप कह रहे हैं कि ये रेगुलर लैंग्वेज है? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई दो अल्फाबेट या मल्टीपल अल्फाबेट के ऊपर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें आप, प्लस यानी कि यूनियन, या डॉट यानी कि कॉन्कैटिनेशन, या क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। तो इन सब ऑपरेटर के मदद से अगर आपने कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है, तो वैसे रेगुलर एक्सप्रेशन को आप क्या बोलते हैं, रेगुलर लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ पर चूंकि हमने क्या किया है, दोनों को जो हमने क्या किया है कि इस एक्सप्रेशन में आपने क्या किया है, ऑपरेटर प्लस लिया है, स्टार लिया है, वैलिड ऑपरेटर है, तो इससे मिलके जो एक्सप्रेशन बना, दैट इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। सिमिलरली हियर आल्सो, देखिए यहाँ कितना ऑपरेटर यूज किया आपने, डॉट प्लस एंड स्टार, है ना, ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है, ये यूनियन कर रहा है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको भी आप क्या कहेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अब आपसे पूछा गया है कि साहब आप प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो कि ये L1 L2 अगर रेगुलर लैंग्वेज है, तो L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन होगा, दैट विल बी आल्सो रेगुलर लैंग्वेज। समझे क्या, कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, रेगुलर लैंग्वेज होगा। अच्छा अब आप बताइए कि इंटरसेक्शन क्या होगा। तो हम लोग शुरू से ही मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, क्या है कि भाई कोई दो सेट है, तो जो दोनों में कॉमन है उसको आप कहते हैं इंटरसेक्शन होगा, है कि नहीं। अच्छा अब कॉमन यहाँ क्या होगा, देखिए ये लैंग्वेज है जी साहब, तो लैंग्वेज में क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो इन दोनों लैंग्वेज में जो कॉमन स्ट्रिंग होंगे, उससे वो जिस लैंग्वेज को बिलोंग करेगा, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज लैंग्वेज, है कि नहीं है। तो अब आप देखिए यहाँ पर इन दोनों के अगर इंटरसेक्शन की बात हम लोग करें तो क्या होगा। तो मैं अगर ये लिखूं कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो इंटरसेक्शन होगा BA+B का होल स्टार, तो यू शुड बी एग्री। कहेंगे क्यों मैं एग्री हो जाऊं, तो मैं बताती हूँ आप इसलिए एग्री हो जाएंगे क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि ये वो एक्सप्रेशन होना चाहिए या ये वो स्ट्रिंग होने चाहिए जो क्या हो, इन दोनों लैंग्वेज में कॉमन हो, प्रेजेंट हो। तो आप देखिए a+b होल स्टार, इस पर तो कोई विवाद ही नहीं है, ये तो साफ दिख रहा है, इसको तो आप एग्री हो ही जाएंगे कि a+b होल स्टार, a+b होल स्टार दोनों में है, तो दोनों का जो कॉमन है वो a+b होल स्टार तो होगा ही होगा। अब मैंने लिखा कि ये b जो है इसमें लिखा हुआ है b फॉलोड a+b का होल स्टार, तो ये जो है ये b फॉलोड a+b का होल स्टार जो है ये दोनों का कॉमन है, तो आप इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे। तो आप देखिए यहाँ जो आपने लिखा है a+b का होल स्टार, ठीक है, तो इस लैंग्वेज में भी आप क्या जनरेट कर सकते हैं, a+b का होल स्टार, b फॉलोड a+b का होल स्टार। अब आप कहेंगे क्यों, ये लैंग्वेज सिर्फ b फॉलोड a+b का होल स्टार ही जनरेट करेगा। एक मिनट ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पर, कि आप कहेंगे कि ये तो आपने लिखा है a+b का होल स्टार, तो मैं ये कह रही हूं कि a+b का होल स्टार जो है ये
सारे स्ट्रिंग को जनरेट करेगा इंक्लूडिंग बी फॉलोड ए प्लस बी का होल स्टार, है कि नहीं है? अच्छा, बी के बिना भी ये स्ट्रिंग जनरेट करेगा, बट वी आर नॉट टेकिंग दैट इंटरेस्ट, है ना? उसको हम लोग इंटरेस्ट में नहीं ले रहे हैं कि यहाँ पर जो बी फॉलोड ए प्लस बी का होल स्टार होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। क्लियर हुआ? अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो मैं इसको और इसको दूसरे तरीके से समझाने का कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर देखिए, ये लैंग्वेज ए फॉलोड ए प्लस बी का होल स्टार भी जनरेट करेगा, है ना भाई? ये इसका मतलब क्या हुआ? ए करो, बी करो, ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन करो, है ना, और एक्स्ट्रा ए भी हो सकता है। और ये जो लैंग्वेज है वो क्या जनरेट करेगा? ए प्लस बी का होल स्टार अलोन भी करेगा और बी फॉलोड ए प्लस बी का होल स्टार भी ये लैंग्वेज जनरेट करेगा। बट व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ माइंड, हम लोगों के इंटरेस्ट का क्या है इसमें? तो हम लोगों के इंटरेस्ट की बात इसमें क्या है बताइए आप? इसमें हम लोगों के इंटरेस्ट की बात ये है कि बी फॉलोड ए प्लस बी का होल स्टार, है ना? समझे क्या कि ए प्लस बी का होल स्टार जो है वो ए फॉलोड ए प्लस बी का होल स्टार जनरेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ए ए प्लस बी का होल स्टार ए, ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है इस लैंग्वेज से। तो देखिए, ए प्लस बी होल स्टार से ए ए जनरेट हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। ए दो बारी लिख दीजिए आप। अब मैं कह रही हूं कि ये जो लैंग्वेज है ये ए प्लस बी होल स्टार भी सिर्फ जनरेट कर सकता है, तो यस ये कर सकता है। फिर ये बी फॉलोड ए भी जनरेट कर सकता है, है ना? तो ये लैंग्वेज भी तो बी फॉलोड ए जनरेट कर सकता है। देखिए, बी फॉलोड ए प्लस बी का होल स्टार, है ना? तो बी फॉलोड ए प्लस बी का होल स्टार जो है, ए प्लस बी का होल स्टार क्या क्या जनरेट कर सकता है? तो a प्लस बी का होल स्टार a फॉलोड a प्लस बी का होल स्टार जनरेट कर सकता है, a प्लस बी का होल स्टार अलोन जनरेट कर सकता है, b फॉलोड a प्लस बी का होल स्टार जनरेट कर सकता है। तो दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वो क्या होगा? दिस इज ओनली, है ना, b फॉलोड a प्लस बी का होल स्टार। जो बाकी इसके अलावा जो स्ट्रिंग जनरेट होगा, दैट इज दैट कम्स फ्रॉम हेयर एंड दैट कम्स फ्रॉम हेयर, दैट विल नॉट द पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में तो कॉमन होनी चाहिए, है कि नहीं है? तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, तो ये जो आपको मिला बी फॉलोड ए प्लस बी का होल स्टार इंटरसेक्शन दोनों का, तो आप क्या कहेंगे कि यस दिस इज आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट कि देयर इज व्हाट ऑपरेटर? कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, यूनियन ऑपरेटर एंड क्लोजर ऑपरेटर। इट्स ओके, गुड, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये सारे ऑपरेटर से जो भी एक्सप्रेशन बनते हैं उसको हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं, इसीलिए इसका जो इंटरसेक्शन है दैट इज आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, फिर समझ लीजिए आप, मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि अगर लैंग्वेज क्या हो, दो लैंग्वेज कोई दिया हुआ क्या हो, रेगुलर लैंग्वेज हो, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल आल्सो बी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है? अब इसमें आपको कैसे प्रूफ किया? हमने एक L1 ले लिया रेगुलर लैंग्वेज, दूसरा L2 ले लिया, और दोनों का जो कॉमन स्ट्रिंग होगा वो इसका इंटरसेक्शन होगा। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो a प्लस बी का होल स्टार है, दिस कैन जनरेट a प्लस बी का होल स्टार, दिस कैन जनरेट a फॉलोड a प्लस बी का होल स्टार, दिस कैन जनरेट b फॉलोड a प्लस बी का होल स्टार। देखिए, ये इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि ये जो जनरेट करेगा सिर्फ यही करेगा, ये जो जनरेट करेगा सिर्फ यही करेगा, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो लैंग्वेज है, दिस कैन जनरेट दिस वन, दिस कैन ऑल्सो जनरेट दिस वन, दिस कैन ऑल्सो जनरेट दिस वन। तो सिमिलरली, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा? दिस इज ना, हाँ, ये अलग बात है कि ये भी जनरेट करेगा, ये भी जनरेट करेगा, करेगा कि नहीं, है ना? तो a प्लस बी का होल स्टार ये तो कोई भी कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकता है ना। तो इसमें जो आपका कॉम्बिनेशन क्या क्या आएगा, स्टार्ट सिंबल b होगा और इसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन ab का हो, कुछ भी हो, तो स्टार्ट सिंबल b यहाँ से भी तो आप जनरेट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट a प्लस बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, तो आप बड़ा सिंपली कहेंगे यस मैम यू हैव रिटन वेरी करेक्ट, यस एग्री। तो अब ये जो कॉमन आपका एक्सप्रेशन आया, दिस इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन, तो वी कैन प्रूफ हेयर दैट कि रेगुलर एक्सप्रेशन का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, रेगुलर लैंग्वेज होगा। लेकिन इसमें कहेंगे आप कि क्या ये बात हमेशा सही होगा? तो मैं कहूंगी नहीं साहब, ये बात हमेशा सही नहीं होगा, लेकिन
अगर लैंग्वेज की संख्या क्या हो, फाइनाइट हो, फाइनाइट मतलब काउंटेबल, कि जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ लैंग्वेज की संख्या क्या है, बिल्कुल फाइनाइट है, काउंटेबल है ना, दो लैंग्वेज है, तो अगर आप दो लैंग्वेज, चार लैंग्वेज, दस लैंग्वेज ऐसे बोलने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस काउंटेबल है, फाइनाइट है, तो फाइनाइट लैंग्वेज का जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज ऑलवेज रेगुलर लैंग्वेज, है ना, फाइनाइट लैंग्वेज का जो इंटरसेक्शन होगा, फाइनाइट लैंग्वेज ऑफ इंटरसेक्शन इज, फाइनाइट लैंग्वेज ऑफ इंटरसेक्शन इज रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन तब क्या इनफाइनाइट लैंग्वेज का इंटरसेक्शन हमेशा रेगुलर लैंग्वेज होगा, तो जवाब होगा नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन फाइनाइट का हमेशा जब आप निकालोगे तो ये क्या आएगा, रेगुलर ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ एग्जाम्पल से भी देखें, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं इनफाइनाइट लैंग्वेज का, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने ले रही हूँ इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन का जो लैंग्वेज होगा, तो इनफाइनाइट के लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इनफाइनाइट लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज इज नॉट काउंटेबल, कितना भी हो सकता, अनकाउंटेबल लैंग्वेज, ठीक है। तो एक लैंग्वेज हो सकता है ना जो कुछ भी जनरेट नहीं करे, बिल्कुल हो सकता है, फाइल नथिंग, दिस इज नॉट जनरेटिंग एनीथिंग, है ना। दूसरा लैंग्वेज मान लीजिए कुछ भी L1 होगा, L2 होगा, एंड एनी नंबर ऑफ लैंग्वेज। अच्छा आप बताइए तो सब में कॉमन क्या होगा, तो सब में कॉमन तो यही होगा ना जो मिनिमम है। देखिए कॉमन हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा, जो अब कॉमन मिनिमम से मेरा मतलब क्या है कि ये जो लैंग्वेज है, ये जो कुछ भी आपका स्ट्रिंग जनरेट करेगा, तो जो मिनिमम स्ट्रिंग जनरेट करेगा दैट विल बी द कॉमन, है कि नहीं। तो यहाँ मिनिमम स्ट्रिंग क्या जनरेट हो रहा है, ये देखिए दिस इज योर मिनिमम स्ट्रिंग, है ना। तो ये जो मिनिमम स्ट्रिंग आपका जनरेट हुआ वही ना सब में कॉमन होगा, तो इसमें ये सब का जो कॉमन स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, कोई लैंग्वेज कुछ भी ना जनरेट करे, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, या यूं कहें आपकी फाई, फाई लिख दीजिए, है ना। तो फाई अपने आप में क्या हो गया, फाई भी खुद एक रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, समझ गया। लेकिन अब अगर इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लें, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो इस परिस्थिति में तो ये आपका जो है इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेज इज रेगुलर। बट लेट्स चेक मोर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल। तो अगर मान लीजिए आप इस तरह का कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी तो एक लैंग्वेज हो सकता है कि नहीं, पहले ये बताइए ये लैंग्वेज हो सकता है कि नहीं, बोलिए, बिल्कुल हो सकता है। अल्फाबेट स्टार मतलब क्या हुआ, ए बी का स्टार, है ना, अल्फाबेट का जो स्टार है, अब माइनस उसमें कर दीजिए A0 B0, ये भी एक लैंग्वेज है ना। अब ये इसका इंटरसेक्शन कर दीजिए आप अल्फाबेट स्टार माइनस A1 B1, ये दूसरा लैंग्वेज हो गया। फिर इसका इंटरसेक्शन कर दीजिए आप अल्फाबेट स्टार माइनस AN BN, ठीक है। इस तरह से ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेज हो जाए, ठीक है ना। तो इसको आप किस लैंग्वेज से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं अल्फाबेट स्टार माइनस AN BN, है ना, कि आपका जो है वो कौन सा लैंग्वेज आपने इसमें, इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा। तो अल्फाबेट माइनस स्टार माइनस क्या स्टार किया आपने, AN BN को स्टार माइनस कर लिया है, तो अब आप बताइए कि इसके वजह से क्या ये रेगुलर लैंग्वेज है। तो आप कहेंगे नहीं मैम, दिस इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि जहां भी कंपेरिजन आ जाता है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं होता, क्यों, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज के लिए हमको फाइनाइट मशीन चाहिए और फाइनाइट ऑटोमाटा के लिए के पास मेमोरी नहीं होता, तो दैट कैन नॉट बी काउंट कि कितना नंबर ऑफ ए उसने रीड किया और उसको कंपेयर बी से कर ले कि उतना ही है कि नहीं है। तो कंपेयर तब करिएगा ना जब आप इसको मेमोरी में स्टोर करके रखिएगा, क्योंकि फाइनाइट लैंग्वेज के पास कोई मेमोरी ही नहीं है तो वो स्टोर कैसे करेगा, जब वो स्टोर ही नहीं करेगा तो कंपेयर कैसे करेगा, समझे कि नहीं। तो इस तरह का जब इक्वालिटी चेक करने के लिए कंपैरिजन आ जाता है तो दैट लैंग्वेज नेवर बी रेगुलर। तो आपको मैं ये एग्जांपल के द्वारा दिखाना चाह रही हूँ कि इनफाइनाइट लैंग्वेज जो होता है उसका इंटरसेक्शन रेगुलर हो भी सकता है और रेगुलर नहीं भी हो सकता है, पर जो फाइनाइट लैंग्वेज होगा उसका इंटरसेक्शन हमेशा रेगुलर लैंग्वेज होगा। तो आपको फाइनाइट के केस में प्रूफ करने के लिए सवाल पूछा गया था, 7 मार्क्स के ये सवाल थे आपके, ठीक है ना।
तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।